बाड़मेर शहर के मुख्य स्टेशन रोड पर एक दुकान में एक युवक को करंट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल बाड़मेर शहर निवासी युवक वीरा सिंधी दुकान के बाहर कार्य कर रहा था, उसी दरमियान उसका हाथ विद्युत तार से संपर्क में आ गया, जिससे वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे मूर्छित अवस्था में राजकीय चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बाड़मेर शहर के मुख्य बाजार में लगे विद्युत पोल की चपेट में आने से युवक को करंट लग गया। स्टेशन रोड पर हुई इस घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में युवक को टैक्सी में डालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू हुआ। दरअसल वीरा पुत्र राधेश्याम जाति सिंधी नामक युवक एक दुकान पर काम करता था। इस दौरान वह दुकान के आगे लगे विद्युत पोल की एंगल से टकरा गया। एंगल से टकराते ही करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और युवक गस खाकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार शुरू हुआ। फिलहाल करंट की चपेट में आए युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये कोई सामने जनरल स्टोर शॉप है, वहां पर काम कर रहा है, वहां पर ये एंगल पे ये कपड़े पे टंगवा रहा था, तो वहां पे उसको करंट आ गया, झटके से नीचे गिर गया और अभी उसको हम यहाँ लेकर आए। क्या नाम है इसका? वीरा नाम है उसका, राधेश्याम जी है। गौरतलब है कि शहर के स्टेशन रोड, अहिंसा सर्किल, सेवा सदन, विवेकानंद सर्किल से महावीर पार्क के आगे, इंदिरा सर्किल, कलेक्ट्रेट बंगलों से राय कॉलोनी समेत कई इलाकों में रोड लाइट और विद्युत पोलों के खुले तार हादसे को न्योता देते नजर आ रहे हैं। 3 दिन पूर्व ही अहिंसा सर्किल के पास एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद भी स्थानीय प्रशासन नहीं चेता है। ऐसे में आगामी मानसून के दिनों में प्रशासन की यह लापरवाही आमजन के लिए जान पर आफत साबित हो सकती है।